Hi everyone! I hope you are really doing well. Today we are going to cover a poem which name is The Bird May Die, written by Farooq Farazad. So before starting the poem, why not we discuss some few things about the Farooq Farazad because it uh, will be the essential for the paper's point of view. So let's get started. तो हमारे जो पोइटिस्ट हैं वो फाइव जैन नाइनटीन थर्टी फाइव को एक मिडिल क्लास फैमिली में सात बहन भाइयों के साथ पैदा होती हैं और ये ईरान में रहती हैं इनको ज़्यादातर जो पब्लिसिटी मिली थी या फेम मिला था उनकी पोइट्री की वजह से मिला था क्योंकि ये फेमिनिस्ट अप्रोच रखती हैं फेमिनिस्टिक पोइट्री लिखती हैं इनकी जो पोइट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन और बहुत ही ज़्यादा मेस्कुलेंटी पावर को जो है वो डिनाई करती है ठीक है उसके अगेंस्ट बात करती हैं और इनकी जो शादी थी इनके अपने ही कज़न के साथ हुई थी लेकिन जब इनका पहला बेटा हुआ तो इन्होंने साथ ही अपनी एक बुक पब्लिश कर दी और उस बुक की पब्लिकेशन के फ़ौर बाद इनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दिया था इनकी राइटिंग की वजह से इनके अजीबों ग्रीपर्स्पेक्टिव की वजह से नज़रियात की वजह से इनको सोसाइटी से जो था एक्साइल कर दिया गया था उस कंट्री से एक्साइल कर दिया गया था इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया था लेकिन हमारी पोइटर्स ने लिखना नहीं छोड़ा तो आज के जो रिस्पेक्टिव पोइम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर उन्होंने एक बर्ड का रेफरेंस दिया है जिससे मुराद वो खुद हैं पोइटिस्ट अपनी बात करती हैं और वो कहती हैं अगर ये बाईकॉट उनका सोसाइटी के साथ इसी तरह रहा तो अपनी सोसाइटी को मैसेज दे रही हैं अपनों को मैसेज दे रही हैं तो ये जो बर्ड है बर्ड से मुराद फीमेल की बात करी खुद की बात करी है तो वो मर जाएगी अब क्वेश्चन ये बनता है कि ईरान ने इनकी पोइट्री को बैन क्यों किया था दरअसल ये एक इस्लामिक कंट्री थी और जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ईरान में तो इसको एग्जाइल इसलिए किया था क्योंकि इसके जो रिस्पेक्टिव पोइट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स पर थी जो हम खुले हम बात नहीं कर सकते तो जैसे जैसे इसकी पोइट्रीज पढ़ते जाएंगे, इसकी पोइम्स पढ़ते जाएंगे आप लोगों को खुद ब खुद अंदाजा होता जाएगा तो आज की हमारी पहली पोइम स्टार्ट करते हैं द बर्ड में डाई सो द पोईम स्टार्ट विद दिस लाइंस द बर्ड मै डाई परिंदा मच जाएगा। आई फील सैड आई फील ब्लू मैं उदास महसूस करती हूँ मैं उदास महसूस कर रही हूँ आई गो आउटसाइड मैं बाहर जाती हूँ एंड रब माई कोल्ड फिंगर्स और अपनी ठंडी सर्द उंगलियों को रगड़ती हूँ ऑन द स्लीक शेल सोसाइटी पर ऑफ द साइलेंट नाइट इस सर्द खामोश रात में वैसे स्ली का मतलब होता है शाइनी uh, और शेल का मतलब होता है शेल यहाँ पे जो ब्लू है वो सिंबलाइज कर रहा है कोल्डनेस को सेंसलेस को इमोशनलैस को फीलिंगनेस को वो सोसाइटी की बात करिए कि जो सोसाइटी है इमोशनलेस हो चुकी है कोल्ड हो चुकी है बहुत ही और वो बात करी है कि मैं जब बाहर जाती हूँ मैं एक परिंदे की तरह मैं बाहर जाती हूँ मुझे वार्म होने की ज़रूरत है लेकिन मेरी जो कोल्ड फिंगर हैं वो जो है गर्म नहीं हो रही मैं स्लीक शेल के ऊपर अपनी उंगलियाँ रगड़ी सोसाइटी के ऊपर कि कोई मेरे से जो है वो कनेक्शन कर लें लेकिन इस चुपचाप साइलेंट नाइट में कोई भी मेरी बात नहीं सुन नेक्स्ट कहती हैं सी मैं देखती हूँ दैट ओ लाइट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर डार्क मेरा जिनसे भी रता था वो सब की जो रोशनियाँ थी वो सब अंधेरा हो चुकी हैं अंधेरे में ठीक है ओ वो लाइट्स ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट करने की जितनी भी रोशनियाँ थी वो सब बुझ चुकी हैं वो सब डार्क हो चुकी हैं ओल लेंस टू रिलेटेड आज आर ब्लॉक जितनी भी हमसे तल्लुक रखने वाली लाइनें थी गलियाँ थी वो सब ब्लॉक्ड हो चुकी हैं नो बडी विल इंट्रोड्यूस मी टू द सन कोई भी मुझे सूरत से मुतारफ़ नहीं करवा रहा नो बडी विल टेक मी टू द गैदरिंग ऑफ टफ्स कोई भी मुझे फातहाओं के पास नहीं लेके जा रहा कीप द फ्लाइट इन माइंड यही मुसीबत टेंशन परेशानी अपने दिमाग में लिए हुए द बर्ड में डाय परिंदा मर जाएगा अब यहाँ पे डफ जो है वो सिंबल यूज़ हुआ है और डफ किसका सिंबल है फ्रीडम का पीस का सक्सेस का तो वो कह रही है कि ये जो सोसाइटी है मेरे जो अपने हैं वो मुझे बिल्कुल भी पीस में फ्रीडम में सोसाइटी में सक्सेस हासिल नहीं करने दे रहे कोई भी मुझे इस फेमिनिस्ट के आ, मतलब साथ मेरा कोई नहीं दे रहा सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम अच्छा काम करिए तुम करो बल्कि सब मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कोई भी मुझे सूरत से मुतारफ़ नहीं करवा रहा मतलब कोई होप नहीं दे रहा होपलेस हो चुके हैं ये जो सोसाइटी है ये कोल्ड हो मेरे साथ रिजेट हो चुकी है लास्ट लाइन में कहती है कि ये जो टेंशन परेशानी आप लोग मुझे दे रहे हो ना और आप लोगों को लगता है कि शायद मुझ पर असर नहीं होगा इन्हीं परेशानियों की वजह से इन्हीं टेंशन की वजह से मैं इतना सोच रही डिप्रेशन हो रही हूँ कि मैं एक दिन मर जाऊँगी तो ओवरऑल अगर इस पूरी पॉइंट को इस छोटी सी पोइम को क्रिटिकली एनालिसिस करके देखें तो क्या इसमें हमें नज़र आता है कि फ़ोरक फ़रकज़ात जो है वो कन्फेस्ट करी हैं कि सोसाइटी से उनका बॉयकॉट हो चुका है सोसाइटी ने उन्हें एग्जाइल कर दिया लेकिन वो लिखना नहीं छोड़ी वो सोसाइटी में स्लीक शैल के ऊपर अपनी उंगलियाँ रगड़ रही हैं कि शायद कोई कनेक्टिविटी में सर आ के जुड़ गए जुड़ जाए लेकिन जो मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वो सब उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है मेरा जाने का वापस कोई भी रास्ता नहीं है मुझे एग्जाइल कर दिया गया मेरी अपनी ही कंट्री से और वो लास्ट वाली लाइंस में ये कन्फेस्ट करती हैं और वो करती हैं अपने जितने भी कनेक्टर्स हैं उन सब को कि अगर ये कनेक्ट अगर ये कनेक्टिविटी इसी तरह टूटी रही बायकॉट रहा तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगी या ये बर्ड मर जाएगी और एक इसको और क्रिटिकली एवेलट किया जाए तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बेशक वो मैस्कुलिनिटी पावर के ख़िलाफ़ लिखती है बेशक वो लड़कियों को ये uh, औरतों कहती है कि जो ससुराल है वो केज है या औरतों को फ़्रीडम मिलनी चाहिए या ये सोसाइटी अच्छी नहीं है जहाँ पर जो है uh, औरतों को मर्दों से कम समझा जाता है लेकिन फिर भी जब इन लोगों ने इसको छोड़ दिया तो भी वो खुश नहीं है बल्कि वो ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है ठीक है उसके अपने वालिद ने उसको छोड़ दिया अगर वो मर्दों की बात करें तो उसके वालद भी तो मरद थे तो वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है खुद भी वो जो है अकेली नहीं रह सकती हालांकि अपनी राइटिंग के जरिए वो यही दूसरों तक पैगाम पहुंचा रही है कि आप फ्रीडम हासिल करें करेंट हो इंडिपेंडेंट हो जाए लड़कियों को स्पेशली कह रही है लेकिन वो अपनी राइटिंग में ये भी कन्फेस करिए किन बींग सोशल एनिमल एक इंसान तनहा अकेला नहीं रह सकता सो दैट इज ऑल अबाउट द पोइम सिम्बल मैं आप लोगों को साथ साथ बता चुकी हूं अगर इसके थीम्स की बात करें तो लेट्स सी कौन कौन से थीम्स हैं वो सबसे पहला थीम हमारे पास आ जाता है, पैसे मिस्टिक का उसके बाद है डिटर्मिनेशन का, का थीम आ जाता है होपलेसनेस थीम आ जाता है शकल इन द बाउंड्रीज जा ऑफ सोसाइटी आ जाता है हाँ डेथ का थीम आ जाता है फैमिनिज्म का थीम आ जाता है स्ट्रिक सोसाइटी का थीम आ जाता है तो ये थे आज के थीम्स स्टे कनेक्टेड विद मोर सच वीडियोज तब तक लिख खुद